रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम जो कि अब यहां पे प्लेऑफ में प्रॉली क्वालिफाई करने वाली है। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से तो बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही। तो गाइस उन अपडेट्स के बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज एंड तक आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा। लेकिन गाइस मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा जिससे हमारे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगी, उसको आप सबसे पहले देख पाएंगे। और गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि 80% लोग होते हैं जो कि चैनल को बिना सब्सक्राइब किए जाते हैं। अगर आप लोग उनमें से एक हैं तो फटाफट पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा जिससे हमारे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगी, उसको आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइस चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले गाइस मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ, जिस एप्लीकेशन का नाम है गाइस फैंटेसी पावर 11। ये एक फैंटेसी ऐप है जो कि बाकी फैंटेसी ऐप से बिल्कुल ही अलग है। इस ऐप में आपको काफी लो एंट्री फीस नजर आती है, साथ ही में गाइस आपको इस एप्लीकेशन में कंपटीशन भी बहुत लो मिलता है, इससे आपके विन करने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और आप डिपॉजिट करना चाहते हैं तो ये एप्लीकेशन आपके लिए न्यू डिपॉजिट ऑफर्स लेकर आते रहता है। बात की जाए गाइस विड्रॉ की तो आपको बाकी एप्लीकेशन की तरह 2-3 डेज का वेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि इस एप्लीकेशन में आपको इंस्टेंट विड्रॉ मिलता है। और हाँ गाइज अब आप फैंटेसी पावर 11 एप्लीकेशन पर सेकंड इनिंग फैंटेसी भी खेल सकते हो, तो है ना बढ़िया एप्लीकेशन। तो अभी से डाउनलोड कर लीजिए इस एप्लीकेशन को, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है। तो गाइस हम बात करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में। तो गाइस सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की डेल स्टेन की तरफ से। तो गाइस डेल स्टेन की तरफ से एक स्टेटमेंट निकल कर आ रही है जिसमें गाइस उन्होंने कहा है कि शुरुआती मुकाबले में मुझे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के प्लेइंग 11 में मौका मिला और उसके बाद गाइस मुझे यहाँ पे मौका नहीं मिला और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने मुझे जो कि प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया। हालांकि मेरा परफॉर्मेंस सही नहीं था लेकिन मैं नेट प्रैक्टिस में अच्छी परफॉर्मेंस देने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं लगातार जो कि नेट प्रैक्टिस में विकेट चटका रहा हूँ, बड़े बड़े खिलाड़ी के विकेट चटका रहा हूँ, लेकिन फिर भी विराट कोहली मेरे को प्लेइंग 11 में शामिल नहीं कर रहे हैं। तो इसको लेके गाइस अभी डेल स्टेन बहुत ही निराश है क्योंकि वो नेट प्रैक्टिस में परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन फिर भी गाइस उनको जो कि यहाँ पे प्लेइंग 11 में मौका नहीं दिया जा रहा है। तो गाइस इसको लेकर डेल स्टेन बहुत ज़्यादा निराश है और उसके बाद गाइस उन्होंने कहा है कि मैं जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की खुशी में शामिल होना चाहता हूँ, जो खिलाड़ी गाइस यहाँ पे मैदान में आ रहे हैं मैच जीत के मैं उसमें शामिल होना चाहता हूँ। डेल स्टेन का यही कहना है कि अगर इस बार अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं अच्छी परफॉर्मेंस करूँगा और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम में पूरी तरह से मैं अच्छी तरह से एकदम वापसी करूँगा। तो गाइस डेल स्टेन की तरफ से स्टेटमेंट निकल कर आ रही है जिसमें गाइस अभी डेल स्टेन ने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें गाइस वो बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि गाइस उनको प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिल रहा है और विराट कोहली उनको यहाँ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं इतने बड़े खिलाड़ी को, क्योंकि गाइस उनको शुरुआती मुकाबले में मौका मिला लेकिन वो परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे, लेकिन गाइस उसके बाद उनको प्लेइंग 11 में से ड्रॉप कर दिया गया और वो नेट प्रैक्टिस में कमाल के परफॉर्मेंस कर रहे एबी डिविलियर्स, विराट कोहली के देवदा पार्टिकल, एरन फिंच का विकेट चटका रहे, लेकिन फिर भी उनको विराट कोहली बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे एंड ना तो उनको प्लेइंग 11 में मौका मिल रहा है। तो गाइस डेल स्टेन की तरफ से अपडेट्स निकल कर आ रही थी, स्टेटमेंट्स सामने निकल कर आ रही थी। तो गाइस अब हम बात करते हैं दूसरी अपडेट के बारे में। तो दूसरी अपडेट निकल कर आ रही है गौतम गंभीर की तरफ से। तो गाइस गौतम गंभीर ने दो स्टेटमेंट दिया है, एक कल स्टेटमेंट दिया था एंड वो एक और स्टेटमेंट दिए थे जो कि परसों उन्होंने स्टेटमेंट दिए थे, जहां पे गाइस परसों के स्टेटमेंट में उन्होंने एक कहा था सुबह जो कि आरसीबी केकेआर का मैच नहीं हुआ था तब उन्होंने दिया था, जहां पे गाइस उन्होंने बोला था कि आरसीबी और कोलकाता नाइट राइडर्स की अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो गाइस अभी कोलकाता नाइट राइडर्स काफी आगे मैचेस जीतने के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम काफी ज्यादा आगे है और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम काफी ज्यादा पीछे है। और उसके बाद यहां पे कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने 2 बार चैंपियन बनी है आईपीएल में और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम एक बार भी चैंपियन नहीं बनी है, तो यहाँ पे कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं किया जा सकता, जो कि परसों उन्होंने स्टेटमेंट दिया था जब कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मैच नहीं हुआ था, उन्होंने सुबह ये स्टेटमेंट दिया था जहाँ पे कोई भी मुकाबला नहीं किया जा सकता कोलकाता नाइट राइडर्स से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का। और उसके बाद जैसे ही यहाँ पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने धूल चटाया कोलकाता नाइट राइडर्स को, उसके बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि अगर हम लोग यहाँ पे टीम देखे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की और कोलकाता नाइट राइडर्स की तो गाइस यहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम इस पर काफी ज्यादा लो नजर आ रही है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
बैंगलोर के पास, क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पास इस पर बहुत कुछ है। दीत गेंदबाजी है, क्रिस मॉरिस है, इसुडू उडाना है, मोहम्मद सिराज टॉप कॉल क्लास जो कि बॉलिंग कर रहे हैं, एबी डिविलियर्स काफी अच्छे फॉर्म में गुजर रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करने वाले हैं एबी डिविलियर्स। उसके बाद विराट कोहली भी अच्छे लय में गुजर रहे हैं, वो अंत तक जो कि यहाँ पे क्रीज पे टिके हैं। दीप द पार्टिकल काफी कमाल के परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इंडिया का फ्यूचर है एक खिलाड़ी। तो किस उसके बाद उन्होंने कहा है कि अगर हम लोग अभी की टीम देखें, करेंट टीम देखें, तो यहाँ पे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम काफी ज्यादा आगे है कोलकाता नाइट राइडर्स से। तो गाइस कोलकाता नाइट राइडर्स को जिस तरह से यहाँ पे धूल चटाया गया है, तो सभी लोग यहाँ पे तारीफ कर रहे हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम जो कि बहुत ज्यादा यहाँ पे ट्रोल हो रही है। तो गाइस आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके अपना अपना ओपिनियन दीजिए। जहाँ पे गाइस अभी मैच शुरू होने से पहले गौतम गंभीर ने एक स्टेटमेंट दिया था, जहाँ पे बोला था कोलकाता नाइट राइडर्स से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का कोई भी यहाँ पे मुकाबला नहीं किया जा सकता। और उसके बाद जैसे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने कोलकाता नाइट राइडर्स को धूल चटाया, उसके बाद गौतम गंभीर ने बोला कि अगर हम लोग अभी की टीम देखें तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम काफी ज्यादा आगे यहाँ पे चल रही है। तो गाइस आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। आने वाले दिनों में क्या रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम इसी तरह से कोलकाता नाइट राइडर्स को धूल चटा पाएगी, तो जाइए नीचे कमेंट सेक्शन में अपना अपना ओपिनियन दीजिए। तो गाइस गौतम गंभीर की तरफ से स्टेटमेंट सामने निकल कर आ रही थी और डेल स्टेन की तरफ से स्टेटमेंट सामने निकल कर आ रही थी। तो गाइस अगर आपको स्टेटमेंट अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो कीजिए लाइक शेयर, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो कीजिए लाइक शेयर, और हमारे चैनल को साथ ही में सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगी, उसको आप सबसे पहले देख पाएंगे। और गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि 80% लोग होते हैं जो कि चैनल को बिना सब्सक्राइब किए जाते हैं। अगर आप लोग उनमें से एक है तो फटाफट पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगी, उसको आप सबसे पहले देख पाएंगे। और नीचे कमेंट सेक्शन में जाके अपना अपना ओपिनियन आप लोग जरूर दीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।